ठीक है, मेंस के आंसर में हेल्प करता है इसे। ठीक, चलो और कुछ शुरू करें आपके पास में। कल किस बारे में बात कर रहे थे? कल किस बारे में बात कर रहे थे? भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत बारे में बात कर रहे थे, लेकिन संविधान के स्रोत बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक घटना बताऊँ आप लोग को अपने निजी जीवन की, है ना। संविधान के स्रोत तो होता रहेगा, ये तो होता रहेगा। आप लोगों ने चिराग देखा है? चिराग अलीदा। अच्छा, आप लोगों ने वो कहानी सुनी है अलादीन का चिराग? नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है? यहाँ पर बहुत सारे चीज लोगों ने सुना है। कितने लोग बसते हो चीजें? सबने सुना है अलादीन के चिराग की कहानी? कौन बोला जाके सुनेंगे भैया? अलादीन के चिराग की कहानी सब सुने हैं? आपने कभी देखा है अलादीन का चिराग? बोले अलादीन का चिराग जो जिस तरह की उसमें शक्तियां थी, क्या वैसे चिराग देखा? नहीं देखा कभी? अनुभव नहीं हुआ आप लोगों? कभी देख, कभी तो देखा होगा, बस कहानी नहीं सुना है। बस कहानी नहीं, मैंने सच में नहीं चला, लेकिन मैं क्या हुआ ऐसे, हाँ चिराग तो बड़ी लगभग वही चिराग था, है ना। अब मैंने देखे तो भैया चिराग हो गए, लगभग वही चिराग था। अलादीन के चिराग के पास क्या शक्तियां थी? उसमें चिलिंग था। ये क्या होता है बताओ, बताओ बताओ, सुनना चाहता हूँ। विश पूरी करता है जब उसे रगड़ते हैं। आप लोग ऐसे कभी नहीं सच में? किन लोगों ने डीजे का हाथ खड़ा करो भाई, बाकी लोगों ने देखा हुआ है? अलादीन का चिराग एक बहुत सही बात बोली किसी ने, विश पूरी करता है। शक्तिशाली जो आदमी था जिसके पास वो था अलादीन, चलो उसका थोड़ा सा बना देना, ये है अलादीन, ये एकदम मेरी तरह दुबला पतला आदमी है। इतने लोग हंसते हैं मुझे बुरा लग गया। अच्छा मैं बता हंस सकती हूँ, है ना। एक समय पर मैं दुबला पतला था, लोगों को यकीन कराना मुश्किल होता है मुझे, क्योंकि यकीन कहाँ हो गया मेरी बात पर भरोसा है? ठीक है, मेरी बात पर भरोसा है ना, तो जरूर तो एक यकीन मानो, एक साथ बड़ा दुबला पतला आदमी था, जैसे वो पीछे भैया है वैसे ही होता, उससे भी ज्यादा दुबला पतला रहा होता है तो बहुत ज्यादा, तुम लोग से ज्यादा। वेरी गुड, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत दुबला पतला था यानी कि मैं शक्तिहीन था। कैसा था? शक्तिहीन, ज्यादा से भी शक्ति नहीं थी, ठीक है, थोड़ा सा कह सकते हैं अंदर डर हुई था। अलादीन को देखो है ना, तो सारे फीचर्स से मैं बहुत सारे फीचर्स थे, शक्ति ही डरपोक हीरो है ना, और जिसे पसंद करते हैं उसके सामने अपने बात ना कर पाने की क्या बोलते हैं, असक्षमता, असक्षम, क्या वही बात सुना है, असक्षमता को बोलोगे, ठीक है, डरपोक थोड़ा सा कायर। तो शक्ति ही अलादीन को एक आदमी मिल गया, तुम्हारे क्लास में तो सबसे लंबा छोटा लड़का नहीं है, चलो कोई बात, ठीक है। ये कौन है, कौन आदमी मिला, क्या नाम बता लो? जिन, जिन क्या जिन अलादीन जितना शक्तिहीन था? क्या अलादीन जितना ही डरपोक था? क्या अलादीन जितना ही असक्षम था? नहीं था। चाहता तो चुटकियों में अलादीन को मसल कर कलर देता, मेरी बात समझ, पर जैस्मिन के साथ भाग जाता, मेरी बात समझ नहीं है, अलादीन सपने देखते रहता, नहीं समझ पा रहा, समझ रहा था। चाहता तो चुटकियों में मसल देता, चाहता तो एक एक नस एक एक बोन अलग अलग कर देता, इसकी अलादीन की बहुत पावरफुल, सो जो चाहता वो करता अलादीन के साथ, लेकिन कर पा रहा था क्या? नहीं। क्यों नहीं कर पा रहा था? कैसे उसके अंदर बैठा? सर प्रेम से, चिराग से कंट्रोल किया जा रहा था,
क्योंकि उसकी सारी शक्तियां जो है अलादीन की वो चिराग में कैद थी। क्या मेरी बात समझ? क्योंकि अलादीन की सारी अलादीन के पास चिराग था, अलादीन का परेशान बेटा, अलादीन उस चिराग का मालिक था, मेरी बात समझ? और उस चिराग के कंट्रोल में कौन था? जिन था। चाहता तो मसल देता लेकिन मसल नहीं पा रहा, क्योंकि बीच में कौन है? कंट्रोलिंग पावर। क्या मेरी बात समझ? नहीं सच कर रहा, समझ आ गए? कुछ यही काम करता है संविधान। गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट है, जो सरकार है, जो शासन है, प्रशासन है, कितनी पावरफुल है। उसके पास आर्मी है, उसके पास आईएएस अफसर है, उसके पास आईपीएस है, उसके पास पुलिस है, बहुत सारे बल तमाम कराते हैं, बहुत सारे कानून है, नहीं है? जो जो चाहेगा वो हाइका में ले आएगा, बहुत पावरफुल है ना गवर्नमेंट, बहुत सारे टैक्सेस के लॉज, बहुत सारे सारे कानून गवर्नमेंट के टाइम पे चल रहे हैं भाई। चाहे तो हम आम आदमियों को जो शक्तिहीन है, जो दुर्बल है, फसल कर रख लें, हम हमारी शक्ति कि हमारी सरकार से बड़ी है, ऐसे देखा जाए तो नहीं बड़ी, ऐसे देखा जाए डायरेक्टली तो हमारी शक्ति कभी भी हमारी सरकार से बड़ी नहीं है। लेकिन बीच में एक और चीज है, क्या है? संविधान, जो ना केवल इसे शक्तियां दे रहा है ना, इसका निवास स्थल है, ये निकला कहां से, बना कहां से? चिराग से। सरकार निकल कहां से रही है? संविधान से। क्या मेरी बात समझ? ना केवल सरकार को शक्ति दे रहा है, साथ ही साथ लगातार जिनको रोका हुआ है कि वो अलादीन पर आक्रमण ना कर सके। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो संविधान ना केवल अल्टीमेट सोर्स है, बताया नहीं पर अल्टीमेट सोर्स, अंतिम स्रोत, अंतिम स्रोत यानी कि इससे प्रमुख स्रोत शक्तियों का कोई है ही नहीं, मेरी बात समझ? साथ ही साथ जो भी जिन भी बॉडीज को पावर दे रहा है, चाहे वो सरकार हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्रेसिडेंट, चाहे कोई भी हो, चाहे आईएएस आईपीएस कोई भी, क्या उनकी शक्तियों से तुम्हें बचा नहीं रहा संविधान? ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। एक आईपीएस आए भी उसके पास गन है तो चार लोगों को विष्णु ऋषियों कर, एक जज आए बोलेंगे अब चार लोगों को फांसी दे देना, जिन लोगों का आंसर राइटिंग अभी नहीं शुरू हुआ था उन्हें जो लोग इंटरनेशनल न्यूज पढ़ना शुरू नहीं किए, ऑर्डर ऑर्डर उन्हें आज फांसी की सजा दी जा रही है। ऐसा कोई जिन बोल दे क्या बोल सकता है क्या? बीच में कौन प्रोटेक्ट कर रहा है तुम्हें? संविधान प्रोटेक्ट कर रहा है। तो संविधान ना केवल शक्ति को दे रहा है अपितु सरकार की या अन्य बॉडीज की शक्तियों को सीमित भी कर रहा है और उनसे तुम्हें बचाने का भी काम कर रहा है। वो रास्ते तय कर रहा है जिन पर चलकर यह चीजें अपनी शक्ति को एक्सरसाइज कर सकती है, अपनी शक्ति का उपयोग कर सकती है। मेरी बात समझ? असीमित शक्ति दे दी है लेकिन वो असीमित शक्ति एक सरकार में कितनी सारी शक्ति है, मिलिट्री है, तरह तरह की मिसाइल्स है, न्यूक्लियर वेपन करवा के रखा है, आवास सरकार ने एक न्यूक्लियर वेपन गिर जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो, क्या फिर आवास सरकार में गिरेगी थी बस्ती जाएगी, बस्ती जाएगी। इतनी ज्यादा शक्तियां हैं सरकार के पास लेकिन उसकी सीमा रेखा कौन तय कर रहा है? संविधान तय कर रहा है। क्या मेरी बात समझ? तो बात यही याद रखनी है, केवल भस्मा सुर वाली कहानी नहीं याद रखनी है, मेरी बात समझ? केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, केवल शक्ति का स्रोत नहीं है संविधान, साथ ही साथ शक्ति की सीमाओं को तय कर रहा है, साथ ही साथ शक्ति की सीमाओं को तय कर रहा है कि कभी ये जो चिन्ह है अलादीन का, ये इतना बड़ा नाम हो जाए, इतना पावरफुल ना हो जाए कि ये अलादीन यानी तुम पर ही भारी पड़ जाए। क्या मेरी बात समझ? तो दिक्कत तो नहीं है ना? और इसी कॉन्सेप्ट को सच बता रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट तुम्हें जो समझ आ गया है ना, इसी कॉन्सेप्ट को समझने में लोगों को छेछा नहीं लगता, ठीक है? क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं संविधानवाद, और किसी भी पुस्तक में प्रॉपरली डिटेल में नहीं, जो लाइन बाय लाइन इस तरह होना चाहिए वो नहीं।
मेरी बात समझ कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में मेंशन है लेकिन संविधानवाद होता क्या है एग्जैक्टली वो नहीं बताया। तुम्हें समझ आया संविधानवाद क्या है? संविधानवाद क्या है? वो धारणा है कि केवल संविधान शक्तियों का स्रोत नहीं है गवर्नमेंट के लिए, साथ ही साथ उसकी शक्तियों की सीमा रेखा भी निर्धारित कर रहा है कि कभी गवर्नमेंट अपनी शक्तियों का उपयोग करते करते उसका दुरुपयोग ना करने लगे और जिन्न की तरह अलादीन पर भारी पड़ जाए। इसीलिए बीच में चिराग यानी कि संविधान, क्या मेरी बात समझ? जिसके माध्यम से हम सरकारों को या अथॉरिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रावधान लिखे हुए हैं कोई भी सरकार अपनी शक्ति का गलत उपयोग दुरुपयोग नहीं कर सकती। उसमें तत्व लिखे हुए हैं, उसमें प्रावधान है, उसमें आपके पास मौलिक अधिकार है, उसमें राज्य की नीति निर्देश तत्व है ना? क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आगे बात? संविधानवाद किसे कहते हैं? संविधानवाद यानी कि जहां पर संविधान की सीमित संविधान के द्वारा सीमा रेखा तय की जाए कि कहां तक सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है और शक्तियों का उपयोग करते करते शक्तियों का दुरुपयोग ना करने लगे। मेरी बात नहीं? अब क्योंकि आपको पता है कि ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे ही जोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसे बोलते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। मेरी बात समझ? पाश्चात्य राजनीतिक विश्लेषण कह लो या समीक्षा कह लो, वो निकल के आती है, या धारणा वेस्टर्न कंट्रीज से आई है, जो मॉडर्न पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, जो आधुनिक राजनीतिक मूल्य हैं, है ना, जो भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार की शक्तियों को असीमित नहीं कर। क्या संविधान बाहुबली में नहीं था? कुछ ना कुछ तो नियमों का संगम कभी रहा होगा ना? नहीं था? था नियमों का संतुलन? अरे बोलो पक्का था? कोई भी राज्य बिना संविधान के नहीं चल रहा है, कुछ नियमों संविधान के नियमों का संकलन, तो कोई भी राज्य चलाना है नियमों का संकलन नहीं बनेगा। क्या आप लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में जानते हो? अच्छा पता चला किसने लिखा था? चाणक्य ने। नाम उसका अर्थशास्त्र है लेकिन किताब किसकी है? स्टेट क्राफ्ट की, आपको पता है ना, यानी कि कैसे पॉलिटी को रन करना है, कैसे गवर्नमेंट को रन करना है, कैसे उस राज्य को। क्या मेरी बात समझ? क्या वो संविधान नहीं था राष्ट्र कुमार के साम्राज्य के लिए? उसमें जो रूल लिखे हुए हैं वो उन्हीं के साम्राज्य के लिए ढूंढ रहे होंगे, तो वही तो एक तरह का संविधान था। क्या मेरी बात समझ? संविधान हर बार लिखा जाता है। छोटे से छोटा राज्य चलाना हो, स्कूल गए थे, स्कूल में पढ़े हो तुम लोग? अरे आश्चर्य में जाते हो, मुझे डाउट हो जाता है, स्कूल नहीं गए तुम लोग? गए हो स्कूल? गए सब लोग पता है स्कूल में डायरी मिली थी कभी? डायरी में आगे कुछ नियम कायदे लिखे थे? पढ़ेंगे ध्यान से, कोई बात नहीं, हम ही कौन संविधान पढ़े हुए? मेरी बात समझ? आगे डायरी में कुछ नियम कायदे लिखे थे कि स्कूल ड्रेस में जाना है, ये टाइम है, ये ऐसा करना है, माता पिता गुरुजन का आदर करना है, वो तो होता ही रह गया। मेरी बात समझ? ठीक है, कुछ तो नियम कायदे लिखे थे ना? अरे बोलो, तो क्या वो स्कूल जैसी छोटे इकाई का संविधान नहीं था? हाँ ना, तो कोई भी सिस्टम रन करना है, कोई भी प्रणाली रन करनी, तो बिना संविधान के रन ही नहीं करे। पहली बात, कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रणाली, कोई भी शासन, कोई भी छोटी से छोटी इकाई बिना संविधान के रन ही नहीं कर सकती। नियमों का संकलन तो होना ही होना चाहिए। क्या मेरी बात सुनाई? तो नियम तब भी है, ठीक है, लेकिन वो नियम जितने रिजिड रहेंगे, यानी कि जितने आसानी से ना बदले जाए, उतना ही कहीं ना कहीं लोगों की शक्ति मजबूत रहती है, और उतना ही कहीं ना कहीं लोगों की आस्था भी मजबूत होती रहती है कि कोई भी सरकार आकर ये नहीं बोलेगी कि मेरा वचन ही है शासन। क्या मेरी बात समझ? समझ रहा था? किसने बोला था? बाहुबली ने। मैंने क्यों बोला बाहुबली को? कोई स्टूडेंट बोला सर बाहुबली ने आपने चीज देखा नहीं? शिव गांधी ने बोला था, है ना? तो ठीक है, जो भी प्रोसेस चला रहा था वहां पर शिव गांधी ने बोला मेरा वचन ही है शासन, यानी कि वहां का संविधान लचीला है कि नहीं है? लचीला है। तो क्या ऐसे संविधान पर लोगों की आस्था रह जाएगी जो इतना लचीला संविधान है कि रूलर डिसाइड कर ले कि नेक्स्ट पल कौन सा मैं वचन बोलूंगा और वही संविधान के पन्ने के रूप में जुड़ जाएगा, नया प्रावधान बन जाएगा, नया कानून बन जाएगा? ऐसे लचीले संविधान में क्या लोगों की आस्था रह जाएगी? क्या ऐसे संविधान में क्या
जो भी हेड है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकार चला रहा है, जो भी प्रशासन देख रहा है, क्या उसकी शक्तियां असीमित नहीं हो जाएंगी? अगले पल मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा मैं मेरा वचन है शासन भल्लाल देव समझा, बोलूंगा मेरा वचन है शासन। चलो सब लोग मेरी बात समझे, आज सब लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ऐसा बोल दो अपने राज्य में कि आज से सब लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, क्या मेरी बात नहीं? ठीक है, संविधान में ये लिखा जाएगा, लिखा तो जाएगा, लेकिन ये बेहद लचीला संविधान कहीं ना कहीं अधिकारों को कमजोर नहीं कर दे रहा है, कर रहा है ना? तो क्या जो लोगों के अधिकार हैं, क्या लोगों के जो अधिकार हैं, क्या उसका समझ पा रहे हो? क्या सरकार या जो भी गवर्निंग बॉडी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन प्रशासन है, क्या उस पर अतिक्रमण नहीं कर रहा शासन? कभी नहीं अतिक्रमण कर सकता है। जब उसने ये बोल दिया कि मेरा वचन ही है शासन, तो बात ही खत्म। अरे बोलो, संविधान का क्या मतलब है जब मेरा वचन ही है शासन? कल को मैं वचन कुछ और दूंगा, शासन कुछ और हो जाएगा। कल को मैं वचन कुछ और दूंगा, परसों शासन कुछ और हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए संविधान वादक कॉन्सेप्ट दिया गया था। मेरी बात समझ आ रही है? ताकि जो लचीले संविधान बनाए जा रहे हैं उनमें भी शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका या जरा सी भी संभावना ना रह जाए शासन द्वारा। क्या मेरी बात समझ? क्योंकि संविधान बार क्या करेगा, सरकार की शक्तियों को सीमित करेगा, है ना? सरकार कुछ भी लागू नहीं कर सकती, सरकार कुछ भी लागू नहीं कर सकती है, उसके पीछे कोई प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो आप उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जा सकते हैं कि हमारी सरकार ने हमसे ये राइट ले लिया, हमारे बड़ेपन पे घर था और रोड चौड़ी हो रही थी, हमें मुआवजा नहीं दिया। मेरी बात समझ? हमें प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो आप अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट से लड़ने के लिए, या गवर्नमेंट से बचने के लिए, या गवर्नमेंट की शक्तियों के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए, बताने के लिए कि उसके अधिकार क्षेत्र में क्या है और आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है। आपको बराबरी ला रही है, सोच रहे हो? तुम्हारे अगर तुमने कोई केस किया गवर्नमेंट के ऊपर तो केस कैसे चलेगा? कहाँ ले, प्रियंका का मुझे आ जाइए, नहीं है उसके आंसर कॉपी लेते हैं। प्रियंका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेरी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक और कितनी बड़ी पावरफुल चीज, एक और कितनी बड़ी पावरफुल चीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर वेपन्स, बड़े बड़े मिसाइल और सब चीज, और एक और कौन खड़ी है? प्रियंका। और ये बराबरी कैसे मिल रही है प्रियंका को? संविधान के द्वारा। क्या मेरी बात समझ? अरे बोलो, समझ आ गई मेरी बात? इसी कॉन्सेप्ट को, इसी धारणा को क्या बोलते हैं? संविधान। कोई समस्या नहीं है, समझ गए? कहीं नोट बना के लिखोगे, छोटा सा अपनी भाषा में लिखो उसे, है ना? गवर्नमेंट की शक्तियों को या प्रशासन शासन की शक्तियों को सीमित करने के लिए इसे अपनी भाषा में लिखो, मैं थोड़ा सुधार दे रहा हूँ। गवर्नमेंट या प्रशासन प्रशासन या सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए, है ना, जो पाश्चात्य धारणा है जिसके तहत सरकार अपनी शक्तियों का अनुचित उपयोग नहीं कर सकती, मेरी बात समझ? दो उपयोग नहीं कर सकती, इसे अपनी भाषा में लिखो देते शब्द सचिव में नोट करवाऊंगा। आइए कैसे बनाओ, कौन सी धारणा? एक पाश्चात्य धारणा जिसके तहत सरकार अपनी शक्तियों का सीमित उपयोग करेगी, असीमित उपयोग नहीं कर सकती, ठीक है? अब बताओ, मैंने तो जिन्हें देखा था, मैं झूठ थोड़ा बोल रहा, मैंने जिन्हें भी देखा था और मैंने चिराग भी देखा था, क्योंकि वो चिराग कौन क्या है, क्योंकि वो चिराग क्या है, संविधान, और वो जिन क्या है, सरकार। क्या तुमने भी देख लिया, नजर आ गया? नहीं समझ आया, आ गया? अब ये नहीं कहना कि मैंने हम लोगों ने देखना नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कहते ना, संविधान
कर रहा है वो सब सब नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि संविधान को उस तरह से लिखा गया है कि बहुत दुरुपयोग ना हो। ये चीजें हम संविधान के जो फीचर्स है, जो क्या बोल सकते हैं, जो विशेषताएं हैं, विशिष्टताएं हैं, उसमें भी करते हैं। संविधान की कई सारी विशेषताओं में एक विशेषता की बात हमने दो तीन बार बीच में भी की हुई है, जिसमें से एक है लचीलापन, है ना। उसके बाद अभी बात करते, पहले इससे नोट कर दे, फिर बात करते, ठीक है। लास्ट का लिखा था ये होता है, सबसे अंतिम क्या लिखा था हमने, अमेरिका के संविधान लिख दिए थे और नीचे नीचे ऑस्ट्रेलिया संविधान हो गया था, नहीं ये हो गया था ना, हाँ, जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालन रिपोर्ट विलोपन हो गया था। अब लिखेंगे आयरिश संविधान। आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से कैसे लिया गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगला पॉइंट लिखेंगे राज्य के, सॉरी आयरिश संविधान से पहला लिखे क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां राज्य मतलब किसी को यह नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बिहार, राज्य मतलब क्या है, पूरा देश, पूरा देश, ये सब मिलाकर राज्य। सही बात है, जो संसद है, जो सरकार है, जो शासन प्रशासन की बहुत सारी इकाइयां हैं, वो सब मिलाकर स्टेट बनता है, वो सब मिलाकर राज्य बनता है, लोग भी उसमें आ रहे हैं। एक दिन शायद इसके बारे में हमने बात की कि कैसे सरकार और कैसे राज्य अलग अलग है, गवर्नमेंट और स्टेट में अंतर, ठीक है। अभी आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, एक बार देखो चलिए आप भी रखिए। पहला लिखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या, जैसे समझ लेते हैं राज्य नीति निर्देशक तत्व होते हैं क्या, ये राज्यों को दिए गए निर्देश किसके द्वारा, संविधान द्वारा या संविधान के रचयिता द्वारा, कि आपको जो स्टेट पॉलिसीज, ये भी जो भी पॉलिसीज लिखनी है, जो भी क्या बोलेंगे, जो भी आप बिल बनाएंगे या एक्ट बनाएंगे, जो भी अधिनियम, जो भी कानून बनाएंगे, वो इसी की तरह के, इसी दिशा में होने चाहिए। आप कोई भी कानून बनाए, ऐसा नहीं कि कोई भी कानून बना सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो कानून बनाइए, है ना, उसका मुख्य मकसद ये हो, उससे यह परेशानियां सॉल्व की जाए, क्या मेरी बात समझ। तो वो संविधान रचयिता द्वारा, संविधान के जो भी रचनाकार लोग हैं उनके द्वारा राज्य को निर्देश है कि आपके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज, आपके द्वारा बनाए गए नियम, कानून, प्रावधान किस तरह के होने चाहिए, किस दिशा में होने चाहिए, क्या मेरी बात समझ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। इसके बारे में तो बात करेंगे जब हम पार्ट फोर में आएंगे। अगला लिखेगा कनाडाई संविधान, ठीक है। कनाडाई संविधान क्यों, उसे क्या दिया गया हमारे यहाँ, संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर। अगर कोई पूछे कि हमारे यहाँ का संघीय ढांचा अमेरिका की तरह है या कनाडा की तरह, अमेरिका भी तो संघ है राज्यों का कि नहीं है, अमेरिका राज्यों का संघ है, अमेरिका भी राज्यों का संघ है, उसके भी पहले आर्टिकल में लिखा फेडरेशन ऑफ स्टेट बताया था, अमेरिका में भी पहले आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, यूएसए से फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, हमारे लिए लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। फेडरेशन और यूनियन के लिए एक ही शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन का इस्तेमाल होता है, संघ। अब यही मामला थोड़ा सा बच जाता है, मेरी बात समझ नहीं है, क्योंकि फेडरेशन अलग तरह की भावना प्रेषित करता है, यूनियन शब्द थोड़े से अलग भावना को दिखाता है। यूनियन यानी एक ऐसा संघ जिसमें झुकाव किसकी ओर है, केंद्र की ओर, ठीक है। झुकाव केंद्र की ओर होने का मतलब है जहां संविधान अपने आप से, देखो दो भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई, मेरी बात समझ। पिताजी मरते मरते विरासत लिख रहे, बड़े वाले को कार दिया, छोटे वाले को घर दिया, बड़े वाले को जमीन दी, छोटे वाले को ये वाली दुकान दी, मेरी बात भाई। इस ये हो गया बंटवारा, क्या हो गया, शक्तियों का बंटवारा। लेकिन पिताजी के दिमाग में ये आया कहीं छोटे को बदमाश ना निकल जाए, मेरी बात समझ, कहीं ऐसा ना हो जाए घर को तोड़ दे, कहीं अलग घर की डिमांड ना करने लगे, बोले कि ये मेरा कमरा है,
यहाँ के हम सब संप्रभु, मेरी बात सुनाई, क्या बोलते हैं, यहाँ के हम सिकंदर, हम जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, उनके दिमाग में आइडिया आया कि अगर सारे, अगर हम इक्वल बांट देंगे सारी चीजें, बराबर बराबर बांट देंगे, तो क्या बड़े की अथॉरिटी थोड़ी कम नहीं हो जाएगी? क्या बड़ा थोड़ा सा इम्बेलेंस नहीं फील होगा कि हाँ हमने पिताजी कितनी सेवा की, तो हम बड़े थे भाई, मेरी बात समझ की नहीं है? और हम कंट्रोल में उसे नियंत्रण में रख लेते, अभी तो छुटकू है, बदमाशी कर रहा है, अलग घर की डिमांड करने लगेगा, कमरा अपना तोड़वा देगा, कह देगा हमारा कमरा है, मेरी बात समझ? अरे बोलो। तो ऐसे में पिताजी के दिमाग में एक बात आई, क्यों ना कुछ शक्तियां अधिक दे दी जाए बड़े वाले को, ताकि छुटकू का एहसास रहे कि अभी भी पिताजी पिताजी के समान कोई जिंदा है, अथॉरिटी वाला कोई है। क्या मेरी बात समझ? प्लस जब छुटकू बहुत बदमाशी करेगा, एकदम अति मचा दे, तो पिताजी लिख के चले गए हैं कि अगर छुटकू बहुत बदमाशी कर दे, मम्मी को घर में ना घुसने दे, है ना, सुबह उठ के मेरी माला को फोटो में चढ़ाए, मेरी बात समझ, केवल अपनी वाइफ और अपने परिवार के बारे में सोचे, सुना है? तो ऐसे में संपत्ति से बेदखल कर देगा, आपातकाल, इसी को आपातकाल बोलते हैं। अरे बोलो, यही तो है आपातकाल, कि स्टेट गवर्नमेंट अगर राष्ट्र की बात नहीं मान रही है, या कोई भी ऐसा काम कर रही है जिससे राज्य की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में आ रहे हैं, या वो बुनियादी बातें जिनके बेसिस पर हमारा संविधान लिखा गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कर सकती है, कैसे, क्या लगा देगी, कह देगी छोटू बहुत होगी बदमाश तुम्हारी, पिताजी बोल के गए हैं अपने विल में, अपनी वसीयत में, कि तुम इतनी बदमाशी करोगे तो तुम्हारी पावर छीन लेंगे, वो जो करवा दिए हैं छीन लेंगे, चाहे मेरी बात समझ की नहीं है? अरे तुम कायदे से रहोगे तभी फायदे में रहोगे, तुम लोग सब लोग होती है, सब याद हो ना बस्ती की, अगर कायदे से काम करोगे, यानी कि अगर नियमों पर चलोगे, अगर प्रावधानों पर फॉलो करोगे, अगर शक्तियों पर बंटवारे पर वैल्यू दोगे, है ना, जो पिताजी की वसीयत देके गए हैं, तुम्हें कुछ शक्ति एक्स्ट्रा देके गए हैं, अगर उसकी वैल्यू करोगे, तब तो तुम्हारे पास वो रहेगी, वरना पिताजी साइड में ही रोक बना के चले गए, अगर ज्यादा उपासना करेगा तो बेदखल कर देगा, है ना, डरो मत, घबराओ मत, तुम बड़े हो, क्या मेरी बात नहीं? कुछ ऐसा ही संघीय ढांचा कनाडा का था, और कुछ ऐसा ही संघीय ढांचा भारत का था। अमेरिका का संघीय ढांचा ऐसा नहीं है, अमेरिका में छोटू को बड़े वाले को बराबर शक्तियां, छोटू चाहेगा तो अपना घर अलग घर बना देगा, अपने घर में घुसने नहीं देगा, कह देगा एक लिया वाला कमरा मेरा है, आगे वाला गेट, तुम जाओ ऊपर से जाओ, सीढ़ी लगाओ, मेरी बात सुनाई कि नहीं है? यह संघीय ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले ये केवल कनाडा में कोशिश की, केवल कनाडा में था, क्या मेरे पास नहीं, तो वहां से हमने अपने संघीय ढांचे को कॉपी किया, मेरे पास नहीं, तो दिक्कत तो नहीं है ना, संघीय ढांचा हम भी चाहते यूएस की तरह बनाते, लेकिन हमने बनाया क्यों नहीं, ये मैंने कोई पता रखा है, क्योंकि भारत को समय पहले से ही बहुत सारे वर्गों में, बहुत सारे समुदायों में, बहुत सारे भाषाओं में, बहुत सारे क्षेत्रों में विखंडित क्षेत्र था, जिसकी अलग अलग डिमांड हो रही थी, उसके पहले ही पाकिस्तान अलग हो चुका था, धर्म के आधार पर अलग हुआ था, भारत में केवल दो धर्म के लोग नहीं थे, और भी लोग थे, है ना, सिख थे, नॉर्थ ईस्ट में ईसाई थे, क्या मेरी बात समझ? तो ऐसे में भारत के विघटन को रोकना, ठीक है, और उसी लिए केंद्र के पास, बड़े भाई के पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां दे दी, लेकिन इतनी भी शक्ति नहीं दे दी कि बार 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 छोटों के अधिकारों को बड़ा जो है वो छीन, उसके लिए भी कुछ प्रावधान नहीं दिए कि जब तक छोटू अपने मन से तुम्हें कार की चाबी नहीं देगा तब तक तुम नहीं दे पाओगे बेटा, यानी कि राज्य के द्वारा दिए आरक्षित क्षेत्र, राज्य के लिए आरक्षित क्षेत्र अधिकार, सूची पढ़ते हो ना, सूची सुना होगा, ठीक है, बात हुई थोड़ी सी, ठीक है, उसमें वो केंद्र के पास तब तक नहीं आ सकती जब तक राज्य खुद ना दे दे, खुद से खुद न कर, मेरी बात समझ, जब तक राज्य खुद सरेंडर नहीं कर सकता तब तक केंद्र उस पर नियम कानून नहीं बना सकता, अगर अगर जितने भी राज्य हैं तो उनमें से आधे या उससे ज्यादा राज्य कोई भी अपना क्षेत्र अधिकार केंद्र के चरणों में
देना चाहे, दिव्य को सर्पित करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उनके मन से ही होगा, केंद्र के मन से नहीं हो जाएगा कि कोई भी क्षेत्र अधिकार राज्य की सूची से निकालो और अपनी सूची में डाल दो। नहीं समझे बात? नहीं देखो क्या है कि है तो संघ ही, अभी यही बात बोल रहे हैं, है तो संघीय ढांचा ही, ये बात एकदम क्लियर है कि कोशिश की गई है ज्यादा से ज्यादा पावर या चीजें इक्वल दी जाए, बराबर दी जाए, मेरी बात नहीं। फिर भी इस बात का कहीं सा अंदेशा था कि छोटू अभी अभी आजाद हो रहा है, अभी अभी मेरा साया उठ जाएगा, तो कहीं मेरी अनुपस्थिति में है ना ज्यादा तांडव ना मचा दे, ज्यादा परेशान ना करने लगी बात है, मेरी बात नहीं। है तो संघीय ढांचा ही, है तो ढांचा संघीय ही, जहां कोशिश की गई है केंद्र और राज्य सरकारों के पास लगभग लगभग बराबर अधिकार हो, फिर भी केंद्र के पास कुछ ज्यादा अधिकार रखे गए हैं, मेरी बात समझ में? क्यों रखे गए हैं समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है, मुश्किल होगी फिर, मेरी बात समझ में? हो सकता है कि कोई राज्य जिसमें क्षेत्र विशेष, जिसमें किसी भाषा विशेष, जिसमें किसी धर्म विशेष की मेजोरिटी हो, कल को वो भारत से अलग होने की बात करने लगे, क्या मेरी बात क्लियर है? इस बात को ध्यान में रखते हुए संघवाद का वो कॉन्सेप्ट उठाया गया, मेरी बात समझ में? जिससे राज्यों की शक्तियां रही तो राज्य को लगे कि दिया गया है ना, और साथ ही साथ केंद्र राज्य की शक्तियों को अवांछित रूप से भड़क ना सके, मेरी बात समझ में? लेकिन फिर भी राज्य की शक्तियां इतनी ही रहे कि कभी वो अलग होने की डिमांड या कोई अवांछित डिमांड ना कर पाए, मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी इसका एग्जाम्पल हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, अभी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, ये अलग से चैप्टर में कक्षा में होंगे, मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अरे बोलो, ठीक है, कितना नोट कर लियो? संघीय ढांचे में केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा हो, एक और उसके आगे लिखो दो, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो, और केंद्र के पास या थोड़ा सा और अच्छा लिख देते हैं, या अच्छा ऐसे ही, जिसमें केंद्र के पास इस तरह की शक्तियां हो, कि राज्यों के द्वारा कोई ऐसी मनमानी ना की जा सके, जिससे संविधान में उल्लिखित मूल्यों का हास होता हो, जिससे संविधान में उल्लिखित मूल्यों का क्षरण होता हो, ठीक है? क्षरण लिखेंगे, क्षत्रिय वाला क्षरण मतलब खत्म होना, हास होना, इसी तरह से है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? दूसरा क्या है, हमें पता चल गया कि भैया ऐसा फेडरल सिस्टम बनाना है, ऐसा ढांचा बनाना है जिसमें केंद्र के पास अधिक शक्तियां हो, क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी कि जो रेसिडुअल पावर्स मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले बताया था और पूछा भी था आपसे है ना, कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो बदलते परिदृश्यों के साथ पिछले 70-80 साल में बदल गई और उनके लिए नए कानून लाने पड़े, क्योंकि उस समय नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज आएगी, मेरी बात समझा रही है? तो हम उसके लिए जो शक्तियां हैं या वो जो नए तरह की शक्तियां हैं वो सारी किसके पास रहेंगी? केंद्र के पास,
कोई दिक्कत तो नहीं है ना। या जो बच गई है, जो बाई चांस संविधान रचयिता के दिमाग में नहीं गई, उन बची हुई शक्ति, वो सारी बची हुई शक्तियां किसके पास रहेंगी? केंद्र के पास। तो कहीं ना कहीं केंद्र के पास अधिक शक्ति है। क्या मेरी बात समझ? लिखो इस बात को, लिखो शेष शक्तियों का केंद्र में निहित होना। क्वेश्चन आईएएस 2019 में आया, ये वाला यूपीएससी 2019 में एकदम सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं, बोलो बेसिक से। ये नहीं कि हमें तमाम किताबें पढ़नी, जो पढ़ो उसमें बेसिक से एकदम क्लियर है, उसका उनका सारा फोकस पे रहता है। यही इसी का क्वेश्चन आया था कि जो अमेरिकी संविधान है और भारतीय संविधान में क्या मूलभूत अंतर है, उसमें जो संघीय ढांचे में क्या मूलभूत अंतर है। तो आपको याद रखना है कि शेष शक्तियां कहां पर है? केंद्र में, इसमें भारतीय संविधान में, और अमेरिकी संविधान में शेष शक्तियां कहां पर निहित है? जो प्रांतीय संविधान है, मेरी बात में जिनके स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो वहाँ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन या केंद्र, वहाँ वो उसके राजनीतिक सरकार है, केंद्र के पास कौन है? राज्यों के पास जा रहा है। इक्वल तो बोलते हैं, मेरी बात में इक्वल तो बोलते हैं, कहीं ना कहीं राज्य अगर इतने शक्तिशाली बना दिए गए हैं कि वो केंद्र से कमी या जो भी संघ है उससे अलग होने की बात करें, तो इक्वल कहाँ शक्ति है? केंद्र चाहकर रोकना चाहे तो रोक सकता है, तुम दिमाग लगाओ। केंद्र चाहकर रोकना चाहे कि बंटवारा ना हो या राज्य अलग ना हो, तो इंडिया में रुक सकता है। कहाँ रुक नहीं सकता है? अमेरिका में नहीं रुक सकता। तो बराबर कहाँ हो? बराबर बोलते अगर दोनों किसी बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं तो मामला वहीं निरस्त हो जाता, लेकिन वहां राज्य के पास अधिक शक्ति है, अगर वो अलग होना चाहे तो अलग, वहां पर अलग हो सकते हैं, यहाँ पर अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर केंद्र अधिक शक्तिशाली है। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, नोट कर लिया इसे। केंद्र कौन? हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ स्रोत किसके पास है? केंद्र के पास। हमारे यहाँ शक्तियों का स्रोत कौन है? संविधान। क्या संविधान हमारी सरकार को इस तरह की शक्तियां प्रदत्त करता है कि वो अलग हो सके, या सरकार के पास तो इतनी शक्ति है कि कोई राज्य या इतना सभी टुकड़ा दे सके किसी को? देता ही नहीं है। मेरी बात समझे? संविधान ही सरकार को जो शक्तियां दे रहा है वही भी शक्ति नहीं दे रहा है कि कभी भी किसी राज्य को या राज्य के एक इंच के भाग को भी किसी और देश को दिया जा सके। मेरी बात समझे? अगर हम कभी ऐसा देते ही हैं तो वो बहुत सारे संवैधानिक संशोधनों के बाद होता है। क्या मेरी बात समझे? और एक्सचेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, उसके बारे में बताओ, परेशान मत हो, ठीक है? कोई समस्या तो नहीं है? इतना क्लियर हो गया? हमारे यहाँ शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान। और संविधान ही गवर्नमेंट को शक्तियां दे रहा है, तो शक्तियां दी ही नहीं उसने, संविधान ने शक्ति दी ही नहीं गवर्नमेंट को कि कभी भी कोई राज्य जो है, या कभी भी राज्य को छोड़ो, कभी भी कोई भी भाग किसी भी तरह से संघ से अलग हो सके। क्या तरीका से नहीं? जो आप जो पहले भाग में पार्ट वन में है उसमें अगर आप देखोगे तो विलय करने की बात है, नई टेरिटरी बनाने की बात है। अगर कोई टेरिटरी अलग होना चाहे, अगर कोई क्षेत्र अलग होना चाहे, तो उसकी कोई बात ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं होगी। क्योंकि इसीलिए मैंने तुम्हें एक चीज पहली बताई, और ये चीज पता है शुरुआती आर्टिकल्स में लिखा हुआ, शुरुआती अनुच्छेद। मैंने एक दिन तुम्हें बताया था कि जो आर्टिकल जितना ऊपर लिखा हुआ है, जो अनुच्छेद जितना ऊपर लिखा है, उसकी वरीयता उतनी ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका महत्व उतना ज्यादा है। मेरी बात में तो शुरुआती क्रम में दूसरे तीसरे आर्टिकल में लिखा हुआ बात जो बता रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अलग कौन सा सकता था? केंद्र। लेकिन केंद्र के पास शक्ति ही नहीं है, क्योंकि केंद्र की शक्तियों का स्रोत है संविधान, बाकी कौन? क्या मेरी बात सुन रहे? संविधान ने शक्ति दी ही नहीं केंद्र कि ऐसा कुछ हो सके। इसीलिए तुमने एक चीज बताई थी शुरुआत में, भारत देश में सबसे 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 इंपॉर्टेंट मूल्य क्या है संविधान में? राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता। मेरी बात सुन रहे? एकता और अखंडता सबसे इंपॉर्टेंट हो। संप्रभुता की बात तो तब करेंगे जब बाहर वाला कोई एडवाइस करेगा ऐसा ऐसा करो। मेरी बात सुन रहे? अगर बाहर शक्तियों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है तो प्राइमरी हमारा मूल्य क्या है? एकता और अखंडता। लोकतंत्र मूल्य है लेकिन नीचे, मेन मूल्य क्या है? एकता और अखंडता। मेरे पास में जब देश को अखंडित करने की बात करो, देखो पुलिस कितने कैसे लाभ ले जाएगी, मेरी पास में जमानत भी नहीं मिलेगी, समझा? ट्राई मत करना, सही में नहीं मिलेगी, ठीक है? चलो देखो शेष शक्तियां कहां पर निहित है?
तीन दिन अब देखो ऑस्ट्रेलिया से एडजस्ट कर लिया गया। देखो ऑस्ट्रेलिया से ना ये पॉइंट ऑफ डिबेट हो चुका है, मुझे पता है कि दोबारा हम लोग करोगे। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची पहला क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से? संवर्ती सूची। क्या संवर्ती सूची क्या 1935 के एक्ट से नहीं ली गई सर? सर आप तो बोलते हैं 1935 के एक्ट 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें पहली बार संवर्ती सूची का प्रावधान आया था, आया तो था लेकिन उस समय कांग्रेस डिमांड कर रही थी प्रांतीय स्वायत्तता का, यानी कि प्रांत के पास बहुत अधिक शक्तियां, सही बात समय काफी अधिक शक्तियां थी, कहीं ना कहीं शक्तियों का झुकाव प्रांत की ओर 1935 के एक्ट के बाद खुल चुका। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन क्या उस चीज के लिए 1947 के बाद हमारे द्वारा चुनी गई सरकार तैयार रहेगी? नहीं, क्योंकि एक चैलेंज के रूप में हो जाएगा ना, अगर अलग अलग राज्य अलग अलग होने की डिमांड कर लगेंगे, बात कर लगेंगे, है ना, या बहुत सारे अधिकारों का दुरुपयोग कर लगेंगे तो एकता दिखनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? एकता दिखनी चाहिए, अखंडता दिखनी चाहिए। जो बड़े बड़े रूल्स हो वो केरल में और यूपी में एक ही जैसे, छोटे मोटे रूल्स की बात अलग है, सही बात समझे, लेकिन जो बड़े मुख्य रूल्स है वो केरल हो चाहे यूपी हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे राजस्थान हो, एक ही होगा। अलग अलग रूल्स में लोग रह रहे होंगे, अलग अलग तरह के रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो क्या एक ही देश ऐसा लगेगा, फील आएगा, क्या एकता की भावना रह जाए? नहीं रह जाए। क्या मेरी बात समझ? तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो सूचियों के विषय हैं वो कहाँ से उठाए गए? कुछ कुछ ऑस्ट्रेलियाई संविधान से उठाए गए, जहां पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, ज्यादा अधिक महत्व के विषय है, वो किसे दिए गए? किसे दिए गए? केंद्र को दिए गए। क्या मेरी बात में ऐसा हम देखते हैं? हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सारे महत्वपूर्ण केंद्र को ही दे दिए गए, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय राज्य को भी दिए गए, लेकिन अगर दोनों हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी नजर आता है सूचियों के, सूची के विषय के मामले में। क्या मेरी बात में? और यह स्ट्रक्चर, यह ढांचा उठाया गया है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, ना कि 1935 के एक्ट से। क्या मेरी बात में? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, और उसमें एक ऑप्शन है ना लियो, तो आप 1935 का एक्ट अगर नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया संविधान लिखोगे। संवर्ती सूची पहली बार कहाँ पर मेंशन हुई? 1935 के एक्ट में, है ना, लेकिन उसके जो विषय है, उसका जो ढांचा है जिसके तहत केंद्र की शक्तियां थोड़ी सी सीमित है, और सॉरी केंद्र की शक्तियां थोड़ी सी असीमित है और राज्य की शक्तियां थोड़ी सीमित है, वो कहीं ना कहीं किसे दिया गया है? दोनों नहीं रहेगा, दोनों लड़ेंगे तो लड़ेंगे हम लोग, जुडिशरी दोनों नहीं रहेगा, परेशान ना होइए। अगर अगर यह बात अलग से लिखी हुई कि संवर्ती सूची के विषय कहाँ से लिए गए, मेरी बात नहीं, यह भारत में जिस तरह की संवर्ती सूची का ढांचा है वो ढांचा कहाँ से पहले हो तो ऑस्ट्रेलिया से हुआ। अगर ये कहा जा रहा है कि पहली बार है ना, हाँ तब 1935 का है, ठीक समझ में आ गया। चलो अगला लिखा है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। इस बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है, आप लोग क्लास मिस करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्लास में सब होते, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे किस तरह की स्वतंत्रता दे रखी है, ठीक है। अगला रखते हैं जनरल संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। जनरल संविधान से लिया गया है आपातकाल के प्रावधान, ठीक है। वहां के संविधान का नाम शायद वीमर कॉन्स्टिट्यूशन था, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, वीमर संविधान से लिया गया आपातकाल के प्रावधान। अगला नोट करिएगा, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या लिया गया है? सर आपातकाल, तीनों आपातकाल, वित्तीय उस तरह से ही लिया गया, अभी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। 360 वाला इस तरह से नहीं लिया गया, 360 वाला पहले भी था, वित्तीय आपातकाल के जो प्रावधान है वो यूएस की, वो भी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा यूएस का है, उसमें भी है जर्मनी का आपातकाल के प्रावधान, यानी कि आपातकाल में क्या क्या होगा,
मेरी बात सुनिए, जब एक बार आपातकाल घोषित हो गया तो उस समय कैसे नियम कानून चलेगा उसके प्रावधान सब जैसे नहीं सोचना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो सकती है ना, वित्तीय आपातकाल ऐसा कुछ हो सकता है, ये चीज यूएस से उठा लिया। मेरी बात सुनिए, अगला रूप करिए, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। हर बार क्या संविधान को संशोधित करने के लिए आर्टिकल 368 का उपयोग होगा? नो सर। यस सर। क्या बिना आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के उपयोग के क्या संविधान में किसी तरह का बदलाव हो सकता है? जी सर। यस सर, बताओ क्या सर? सर तुम आर्टिकल, हाँ एक बार तुम जाओ, हाँ बताओ 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 प्रस्ताव तो नहीं, अरे प्रस्ताव में आएगा तो आर्टिकल 368 लगेगा, बताओ। और सर जो आर्टिकल 3 है इसके तहत सर जो नए राज्य की स्थापना की जाएगा। वेरी गुड, है ना। आर्टिकल 3, आर्टिकल 13 है ना, कुछ आर्टिकल्स ऐसे लिखे हुए हैं जिसके तहत अगर बदलाव कर रहे हैं तो आर्टिकल 368 को लगाने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। संविधान के संशोधन का प्रावधान सुनिश्चित करता है आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार संविधान संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 की आवश्यकता हो। मेरी बात समझ? जो चीजें एकदम साफ है और विरोधाभास में है और गलत है ना, उसे बिना अनुच्छेद 368 लगाए भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में अमुक आर्टिकल जब भी आएगा, आर्टिकल 3, आर्टिकल 13, तो उसमें हम बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ आगे? नोट कर लिया इसे, ठीक है। इसके बाद नोट करेगा फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया, ये फ्रांसी संविधान से जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें तीन वैल्यूज थी, उनके तीन मूल्य थे, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटरनिटी, ठीक है। लिखेगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिखिए आगे बढ़े। लिखेगा सोवियत संघ, सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। शायद आपने स्वर्ण सिंह कमेटी का कभी नाम सुना हो, स्वर्ण सिंह कमेटी के गाइडेंस में, स्वर्ण सिंह कमेटी की क्या रिकमेंडेशन करेंगे सिफारिश के बाद, है ना, जो मौलिक कर्तव्य वाला पार्ट है वो जोड़ा गया था, अभी हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे पार्ट 4 में, ठीक है। लिख लिया उसे फंडामेंटल ड्यूटीज, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यह पहले संविधान का भाग नहीं थी, इसे बाद में जोड़ा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके बाद लिखेगा भारतीय प्रशासनिक अनुभव, भारतीय प्रशासनिक अनुभव, ब्रैकेट में लिखेगा भारतीय प्रशासनिक अनुभव के बाद ब्रैकेट में लिखेगा 1935 और उसके पहले के अन्य अधिनियम, 1935, समझ गए ना, 1935 से अधिक कौन सी बात हो रही है, भारत शासन अधिनियम की बात हो रही है, 1935 और उसके पहले के अन्य अधिनियम, ठीक है। इसके बारे में बात कर चुके हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा क्या क्या है। देखिएगा भारतीय, पहला पॉइंट लिखिएगा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का ढांचा, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का ढांचा, यानी जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं पहले से ही इंडियन सिस्टम में ब्रिटिशर्स द्वारा ले आएगी। क्या मेरी बात की है? विभिन्न एक्टों द्वारा, विभिन्न अधिनियमों द्वारा कुछ उस तरह के एग्जाम्स आ गए थे, स्वरूप चेंज हो रहा है, ये बात सही है, स्वरूप लगातार ही चेंज होता है, तो स्वरूप चेंज हो गया, लेकिन वो जो ढांचा है भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का, ठीक है, IAS, IPS, है ना, वो कहीं ना कहीं भारतीय प्रशासनिक अनुभव से आ रहा है, जो कि विभिन्न अधिनियमों के द्वारा ब्रिटिशर्स ने हमें निर्देशित किया। क्या मेरी बात समझ? तो दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अगला रूप करोगे लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन, बताओ मुझे किस रूप में हुआ, याद है कुछ? लोक सेवा आयोग का गठन, किस एक्ट में पहली बार लोक सेवा आयोग की बात की है?
1909, 1919, 1935 उसके पहले वाले नहीं। बहुत जल्दी बोल रहे हो तुम लोग, ये करवाया हुआ है प्रॉपर। अब चिल्ला चिल्ला के बताया नहीं था, बताओ कौन से है? कुछ याद नहीं कर रहे हो? बताया था ना यहाँ पर क्लास में, क्यों नहीं याद कर रहे हो भाई? बताओ 1919, 1935 बहुत सारे ऑप्शन। परेशानी वाली बात है, तो बहुत जरूरी चीज है, इसकी तैयारी कर दो तुम लोग। बताया नहीं ना क्यों बना है, कैसे बना है, और यही गैप हो गया ऊपर से। संघीय लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो ना, लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, जिसके जिसकी तैयारी करो, पता नहीं कब बना, बताया था क्लास में, कहा भी था इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम में आया अब तक, 1919 में 1935 में 1919 में पक्का सही बोल रहे हैं, 1919 में, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन 1919, याद नहीं है तुम लोग, लेकिन सब याद करो भाई, ठीक है। कहाँ याद है, सोच रहा हूँ बता नहीं पा रहा हूँ, चलो याद है, याद करो सब, एक एक चीज याद करो, एग्जाम में यही सब आता है, खत्म हो जाएगा वरना फिर तुम्हारे पास जो नोट्स हैं वो एक किताब के रूप में बचेगा तुम्हारे पास, समझा? चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा नोट्स लिख लो, जैसे लिखो लिखो भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को कानून के महाविद्यालय के रूप में, कानून के एक महाविद्यालय, इसे अंडरलाइन कर लोगे, कानून के एक महाविद्यालय के रूप में विभिन्न देशों के विभिन्न देशों के स्कॉलर्स और राजनीतिक दर्शन स्कॉलर्स, आदर्श का स्कॉलर मतलब जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो अपने एकेडमी में अच्छा कर रहे हैं, स्कॉलर्स और राजनीतिक दर्शन की पढ़ाई कर रहे। अब देखो तुम इतना पूछो कि मेन स्टेटमेंट याद रहता है, राजनीतिक दर्शन की पढ़ाई कर रहे, राजनीतिक दर्शन की पढ़ाई कर रहे लोगों में जाना जाता है। देखना सब गलत हुआ सही करना, अगर हिंदी में कुछ गलती है तो, क्योंकि वो स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया शायद, ठीक है। मतलब जो विभिन्न स्कॉलर्स हैं और जो बहुत सारे लोग लॉ की स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, भारतीय संविधान को एक आइडियल मान के पढ़ाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कितने संविधान का निचोड़ है, 7 है ना, विभिन्न भाग से भी आता है, 30 के कितने दिनों से पूरा आता है, 10-15 है ना, जैसे विभिन्न भाग होता है 10 दिनों की शक्ति, उसी तरह 7 संविधानों की शक्ति वाला संविधान, 7 संविधानों को निचोड़ कर बनाया गया है, उनके जो जो प्रावधान है उन पर ऐसे ही नहीं कॉपी पेस्ट हुआ है, बहुत सारा तर्क वितर्क विमर्श हुआ है, उसके बाद उन्हें भारतीय परिदृश्य के अनुसार पर, भारतीय परिदृश्य के अनुसार, भारतीय समाज के अनुसार ऐसा हुआ, क्या मेरी बात समझ? तो कई बार जो लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे तुम लोग क्या करते हो, पूरा पढ़ने की जगह कई समझिए ऐसा देख लें, तो कुछ वैसा ही नियम हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ करोगे, इसने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय संविधान आधुनिक समावेशी और सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने
आधुनिक कौमा समावेशी और सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हूं। सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हूं। ठीक है, लिखोगे। साथ ही साथ बस ये बात लिख चुके हैं, दुकान चार साथ हो चुका है, सब सब चीजें लिख चुके हैं ना। तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण तो बताई चुके हैं हम लोगों की क्या क्या चीजें लिखी, कौन कौन से पांच हिस्ट्री से आ रहे हैं। ठीक है, और अब उससे एक्स्ट्रा मत एक्सटेंड करो, वो ये चीज समझने वाली है। मेंस के आंसर आपको ऐसे लिखा नहीं जा सकते, मेरे पास में आपको आंसर को खुद ही लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ समझ के उसके लिए बता रखा है एनसीईआरटी थोड़ा सा देखो, तो उससे आपको वर्ड्स मिलेंगे कौन कौन से वर्ड्स यूज करें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ क्वेश्चन करेंगे आप लोग? चलिए एक मिनट का टाइम है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं शायद मेरे पास है। आप लोग काम करके आएंगे, जिन लोगों के पास रश्मि का आंकड़ा और विशिष्टता पढ़कर आएंगे
विशिष्टता है ना। हालांकि अभी तक हमने कई सारे विशिष्टताओं के बारे में बात कर ली है ना। एक आप लोगों को मैंने एक बता रखा है लचीला तो बताया भारतीय सोलर लचीला है तो उस हिसाब से कभी इस बारे में बात नहीं थोड़ी सी हिसाब से लचीला है कि उसमें बहुत सारे प्रावधान को बदलते सामाजिक परिदृश्यों के अनुसार बदला जा सके, कुछ जोड़ा जा सके, जरूरत पड़ने को जुटाया जा सके। और तीन तरह से हम भारतीय संविधान को और ज्यादा लचीला बना सकते हैं, बना रही है। कौन कौन सा है? मॉडिफिकेशन, एडिशन और डिलीशन। तीन तरह से हम भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं। क्या क्या है? मॉडिफिकेशन यानी कि कुछ इम्प्रूव करना, कुछ बेहतर करना पहले से, है ना। कोई शब्द अगर लग रहा है कि अनुच्छेद है तो उसके लिए किसी और शब्द का उपयोग करना। दूसरा क्या है? एडिशन यानी किसी भी अनुच्छेद का क्लॉज जोड़ना, कोई नया अनुच्छेद जोड़ना, कई बार तो कुछ नए भाग जोड़ना, जोड़ा गया ना वो मौलिक कर्तव्य में भाग भी जोड़ा गया पार्ट बोले, ठीक है। और तीसरा क्या है? डिलीशन। डिलीशन यानी कि जो लगे कि अब उन प्रावधानों की जरूरत नहीं है या अब उन प्रावधानों की जगह पर कुछ नए प्रावधान चाहिए तो ऐसे प्रावधानों को, ऐसे क्लॉजेस को हम डिलीट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। क्या मेरी बात सुने? तो भारतीय संविधान थोड़ा लचीला भी है। कितना लचीला है उसके बारे में कल बात करेंगे। आज समय तो वो कैसे है ना, तब बात करेंगे। रोज आओ उसके बाद क्वेश्चन पूछोगी। एक दो बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब कुछ पूछ रहे बहुत स्कूल के बारे में दिया गया।